हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम इंस्टेंट मावे की रेसिपी बनाएंगे। आगे दिवाली फेस्टिवल आ रहा है और फेस्टिवल में हम बहुत सारी मिठाइयाँ घर में बनाते हैं जिसमें हम मावे का यूज़ करते हैं, पर हम हमेशा न्यूज़ में सुनते हैं कि फेस्टिवल टाइम में मावे में बहुत सारी मिलावटें आती है। तो आज हम घर में ही इंस्टेंट और हेल्दी मावा बनाएंगे। आइए हम मावे की रेसिपी देखते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए, ये मैंने एक कप फुल फैट मिल्क पाउडर लिया है, आधा कप मैंने मिल्क लिया है, ये भी फुल फैट मिल्क है, और तीन बड़े चम्मच मैंने देसी वाला घी लिया है। ये मैंने कढ़ाई ली है जिसमें मैं ये आधा कप मिल्क डाली। ये मेरा मिल्क थोड़ा सा ठंडा है इसलिए मैं इसे एक मिनट के लिए पहले थोड़ा हल्का सा गर्म होने देती हूँ। ये मैंने तीन बड़ी चम्मच घी लिया है जो मैं अभी इसमें ऐड करती हूँ। अब तुरंत ही मुझे इसमें मिल्क पाउडर ऐड करना है। ये मिल्क पाउडर मैं थोड़ा थोड़ा डालती हूँ इसमें। ये पूरा मिल्क पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। गैस का फ्लेम हमें एकदम स्लो पे रखना है ताकि इसमें लम्स नहीं आए, इसलिए हमने गैस का फ्लेम एकदम लो रखा है और इसे कंटिन्यूसली हमें हिलाते रहना है। मावा भी पक रहा है, दो तीन मिनट हमें और पकने देना होगा उसको। गैस की फ्लेम हम एकदम स्लो में ही रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मावा अभी बन चुका है। हम इसे एक आधे मिनट के लिए और भून लेंगे और फिर इसे ठंडा होने देंगे। कढ़ाई को इसने पूरा छोड़ा है, ये देखो बहुत ही अच्छा बना है हमारा मावा। ये हमारा मावा बन के तैयार हो चुका है। मावे को ज़्यादा भूनना नहीं है, तो वो ड्राई हो जाएगा। अब मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर लेती हूँ, उसे थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मावे की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। हमारा मावा बहुत ही अच्छा बना है। आगे इसे हम बहुत सारी मिठाइयों में यूज़ करेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।